हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। टाइम हुआ है, 1 बज गया है, क्योंकि आज मैंने सुबह से व्लॉग शुरू नहीं किया था। बाकी घर के सारे काम हो चुके हैं, बस दोपहर का लंच बनना है। और लंच में भी खाली मेरे लिए ही बनेगा, क्योंकि बेटा तो देर से आएगा आज। उसकी क्लास आज देर तक है, तो आज वो लंच लेके गया है, तो मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं है। और बाकी हो गया है, आज कपड़े वगैरह नहीं धोए थे मैंने, लेकिन बाकी सारे काम हैं। और आज मैंने सोचा है, घर का तो मेकओवर करती रहती हूँ, क्लीनिंग करती रहती हूँ, आज अपने बारे में भी थोड़ा सोच लेती हूँ। तो देखती हूँ, क्योंकि ये देखिए थ्रेडिंग भी बनाए हुए ना, काफ़ी टाइम हो गया है, जाने का ही आलस हो जाता है। इतने दिनों से सोच रही थी आज जाऊंगी कल जाऊंगी, तो आज मैंने ठान लिया है। और आज काम भी हो चुका है सारा, काम तो डेली ही हो जाता है, लेकिन चलिए आज मन बन गया है तो चलते हैं पार्लर। और अपर लिप्स भी करानी है, फोर हेड और ये सब कराना है, तो चलिए आज कराते हैं अपना भी मेकओवर। गई हूँ गाइस, मैं पार्लर से आ गई हूँ, मैं अपर लिप्स करा करके और थ्रेडिंग करा के सांस फूल गई है, और फेस ना अलग ही हो जाता है बिल्कुल। एक थ्रेडिंग कराने से ही फेस में ग्लो आ जाता है। लेकिन मेरे ना यहाँ पे ये देखिए, वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे ना दाने हो जाते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर भी, पहले नहीं होते थे ये, अभी कुछ 1-2 साल से ही होने लगा है, पहले नहीं होता था। स्किन में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है और खुजली होने लग जाती है। और इस पर थोड़ा सा मैं ठंडा लगाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा ये। और लेकर आई हूँ मैं मेहंदी, उसको भिगोंगी, देखती हूँ कल लगाऊंगी या परसों लगाऊंगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब लगाऊंगी मेहंदी। ग्रीन मेहंदी लेकर आई हूँ मैं, ये देखिए ये वाली मेहंदी लेकर आई हूँ, हीना। हाँ, हीना की लेके आई हूँ ये ग्रीन वाली। इसको भिगोऊंगी और फिर लगाऊंगी मैं अपने सर में। बाल ना यहाँ से वाइट वाइट हो रहे हैं, अभी शादी में लगाई थी, उसको टाइम हो गया है, और वो भी कलर लगाया था, तो कलर की वजह से ही ना मेरे बाल मतलब ज़्यादा ख़राब हो गए, ज़्यादा वाइट हो गए हैं उसकी वजह से। नहीं तो मुझे ना कलर वगैरह पसंद नहीं है, मैं ज़्यादातर अपना जो ये ग्रीन वाली मेहंदी होती है ना, नेचुरल मेहंदी, ये लगा लेती हूँ उसके अंदर दही वगैरह डाल के। और बीच में आ गया था इसकी बुआ का फ़ोन, तो मैं नहीं उठा पाई क्योंकि मैं नीचे गई हुई थी। चलिए उनसे बात कर लेते हैं पहले। कपड़ों को रख देती हूँ, ये रखे थे कपड़े धुले हुए, तो जो इनको मैंने कल रखा नहीं था, तो इन कपड़ों को रख लेती हूँ मैं अलमारी के अंदर। और ये कुछ हैं वुलन के कपड़े जो अब धो धो करके रखने हैं मुझे। और ये कुछ नए कपड़े हैं, कल मैं अपने भतीजे की बर्थडे पार्टी में चली गई थी। बर्थडे पार्टी तो क्या थी, ऐसे ही घर में ही उन्होंने बर्थडे मनाया था, तो मैं कल ये पहले मैंने ये वाला सूट निकाला था, ये वाला देखिए, फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ये चेंज करके फिर ये वाला पहना था, ये वाला, ये देखिए। और केवल मैं ही गई थी क्योंकि ऐसे ही छोटे बच्चों को ही बुला रखा था और घर में ही किया हुआ था, तो ये वाला सूट पहन के गई थी मैं। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा लगता है सूट, और कॉटन का सूट है ये, तो चलिए इसको फोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा। और कल जल्दबाजी में ना मैं ऐसे ही कपड़ों को फोल्ड करके चली गई, मत छोड़ करके चली गई थी। और अभी मुझे
वीडियो की वॉइस ओवर भी करनी है, थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है, फिर वीडियो को अपलोड भी करना है ताकि वो आपके पास टाइम से पहुंच सके। और प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि अभी ना आजकल मेरे व्यूज ना बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, तो आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज अपना सपोर्ट कीजिए मुझे। और आप बताएंगे तो आप बता सकते हैं मुझे कि मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊं। लेकिन इसकी चुन्नी अच्छी नहीं है, ये देखिए इसकी ना चुन्नी अच्छी नहीं है। सूट तो बहुत प्यारा है ये, क्योंकि चुन्नी ना फेड हो गई थी। इसको भी फोल्ड करके रख देती हूँ, किसी और दिन पहन लूंगी इसको, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ही पहना था मैंने। और आप लोग बता सकते हैं मुझे कि मैं किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेली डेली एक ही चीज दिखाना ना मुझे भी अजीब सा लगने लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ डेली डेली अपने घर का क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, ना किसी से बात करने की होती कि ना किसी से कुछ, मतलब अपने अलावा क्या दिखाऊं मैं। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि डेली डेली एक चीज ही दिखानी होती है। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं, कैसी नहीं बनाऊं। चलिए इसको भी रख देते हैं। और इसका ये देखिए दुपट्टा भी बहुत प्यारा है इसका, ये और बड़ा वाला भाई है ना मेरा, उसके छोटे बेटे का बर्थडे था, तो ऐसे ही फिर के बुआ, क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम हो गया था, मम्मी के घर भी गए हुए, जा ही नहीं पाती हूँ। इतना पास में होने के बाद भी ना मैं अपने घर नहीं जा पाती हूँ मम्मी के वहां, तो फिर रात सोचा चलो चले जाते हैं इसी बहाने से, वैसे तो जाया जाता नहीं है, इसी बहाने से चली जाती हूँ। और अच्छा लगा, बच्चे को मतलब बच्चे का मन भी रह गया, और बस छोटा सा घर में ही कर रखा था ऐसे ही उन्होंने। और उसकी क्लिप है छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे बच्चे इतना प्यारे प्यारे डांस कर रहे थे, उसकी क्लिप है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको, और देखना क्योंकि अभी वो 4 या 5 साल का हुआ है। चलिए, और ये कुछ कुर्ते मुझे ठीक करने हैं, काफी मतलब ओवर साइज है मेरा, ओवर साइज तो नहीं है मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, हल्की सी फिटिंग कर लूंगी और हाथ से ही करूंगी इसको मैं। ये 2 कुर्ते हैं, वुलन के हैं, ये कुर्ते वुलन के हैं, अभी तो क्योंकि 2 दिन से तो काफी ठंडा हो गया है मौसम। चलिए ये कर लेते हैं काम पहले, और कर लेती हूँ सुबह के लिए। अभी ही मेथी साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है, और ऐसी चीज़ें साफ करने में ना सुबह के टाइम टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो अभी करके रख दूँगी। और थोड़ी ना मेथी ख़राब भी होने लगी थी, क्योंकि अब ना बहुत जल्दी मेथी ख़राब होने लग जाती है, और मेथी पकने भी लगी है। यह है छोटी वाली भाभी और उसका बेटा, तो उसी के साथ मस्ती चल रही थी, मैं उसको बार बार छेड़ रही थी और वो अपनी मम्मी के पीछे छुप रहा था। और वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ अभी इस टाइम पे गाने बज रहे थे, तो कॉपीराइट आने का ना बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, तो जो ओरिजिनल आवाज़ थी मुझे वो उसको दबानी पड़ी थी। और मैं इसको खींच रही थी कि ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। छह लगाते हैं। अरे जोड़ के देखो पहले, गिनती गिनो, चल काम कर अपना। अरे जोड़ लिया, ले भाई ले भाई, चुप, फूक मार, पहले फूक मार, पहले फूक मारते हैं। जिंदगी कब अभी मत इसको, अभी मत चलाइयो,
बारी बारी सबको खिला दो। बुआ को खिला दे बेटा। ला 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 ला, ला मैं ये क्रीम है ज्यादा। रैया की माँ को देख, अरे खोल ले कौन है। अभी रुक जा भैया।